क्या आप भी अपने घर में इसी तरह के पोछा बनाना चाहते हैं? अपने ही घर में पड़े हुए पुराने कपड़ों से बहुत ही आसानी से ये पोछा बन जाता है जो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ पुराने कपड़े जो मेरे काफ़ी दिनों से घर में पड़े हुए थे। तो इन पुराने कपड़ों में से मैं एक कुर्ती ले रही हूँ, जो इससे मैं बनाने वाली हूँ पोछा। बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से मैं जो इसके साइड के कपड़े हैं इसको मैं निकाल दूँगी इस तरह से कैंची में से। मैंने कुर्ती लिया है, ये रेयन कॉटन का है। आप चाहे तो इसमें टी शर्ट में भी आप कर सकते हैं, किसी भी बनियन के कपड़े में जो कॉटन का होता है, कोई भी अच्छा सा कपड़ा ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर अपना कुर्ती लिया है। तो इस तरह से मैं इसके साइड के जितने भी मोटे मोटे हिस्से हैं ना, जिसमें डिज़ाइंस हुए हैं, तो मैं उसको इस तरह से कट करके निकाल रही हूँ। अब इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर लूँगी दो हिस्सों में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको साइड में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको बीच में से यहाँ पर कट लगा लेंगे। इसको कट लगाने के बाद ना, ये चार हिस्सों में हो जाता है। तो हमारा जो कुर्ती का नीचे का हिस्सा होता है ना, वो दोनों साइड से कट रहता है पहले से ही। तो इस तरह से ये दो टुकड़ा है। तो इसको मैं अच्छी तरह से जो इसका साइड का जो सिलाई होता है ना, उसको मैं थोड़ा सा साइज कर लूँगी कट करके। इसको कट करने के बाद हम दूसरा जो कपड़ा है ना, उसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम ना पोछा अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अपने ही पुराने कपड़ों से। तो आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखते रहिए एंड तक, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने ये आप लोगों के लिए ख़ास लेके आई हूँ ये वाला वीडियो, घर में आप आसानी से पुराने कपड़े से पोछा कैसे बना सकते हो। तो इस तरह से मैं कट कर रही हूँ, देखिए। तो मेरा दूसरा वाला कपड़ा जो है ना, मैं उसको हटा दी हूँ, क्योंकि इसके डिज़ाइन के पास थोड़ा मोटा हो गया, तो जो कैंची में कटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं पहले ये वाला टुकड़ा कट कर लूँगी, उसके बाद मैं वो वाला टुकड़ा कट करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपना कट लगा लिया है पूरा। इसको अब इस तरह से ये दिखेगा। मैंने यहाँ पे एक ही कलर लिया है, आप चाहे तो अलग अलग कलर के कपड़े भी लेके कट कर सकते हैं। जो मैंने दूसरे वाला कपड़ा रखा हुआ था ना, वो वाला भी मैं कट कर लूँगी। तो इसी तरह से मेरे जितने भी कपड़े हैं ना, मैं सब कट कर ली हूँ। यहाँ पर जो बीच बीच के उसके मोटे वाले कुछ कपड़े मोटे हिस्से से कट गए थे, तो मैं उसको भी कट करके थोड़ा सा पतला कर ली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे सारे कपड़े कट गए हैं जो मैंने रखे थे कट करने के लिए। तो इसी तरह से ना, मैं अपने जितने भी कपड़े हैं सारे कट कर लूँगी। ये देखिए, तो जिस तरह से पोछा का साइज होता है ना, मैंने उसी साइज से ही मैंने इसे कट किया है। अब इसको मैं नीचे से कट करने की नहीं सोच रही हूँ, मुझे कट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी नीचे से साइज है। और देखिए, मेरा जो है ये इतना ही ठीक है। तो आप चाहे तो और भी ज़्यादा मोटा कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कपड़े इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए था और मैं इतना ही कट की हूँ। इससे ना बहुत ही आसानी से घर में पोछा बन जाता है पुराने कपड़े से। तब हम इसको ना कट करने के बाद अच्छी तरह से साइज करके रख लेंगे एक एक करके,
और देखिए ये वाला के मेरे पास एक पड़ा हुआ था पहले से ही डंडा, जो मॉप करने वाला था, जो वो वाला टूट गया है, तो ये वाला मेरे पास था पुराना। तो इसके सामने यहाँ पे उसका जो कैप लगा हुआ रहता है, तो आप चाहे तो प्लेन वाला भी ले सकते हैं, लकड़ी का डंडा भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप गोल गोल इस तरह से घुमा घुमा के इसको अच्छी तरह से टाइट से ही आप पकड़ेंगे, जिस तरह से मैं इसको घुमा रही हूँ, और अच्छे से मैं इसको टाइट करके पकड़ रही हूँ ताकि ये फिसल ना जाए बाद में। और यहाँ पे ना मैं जो साइड में जो पतले पतले कपड़े मैं कट करी हूँ ना, उसी कपड़े से मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर लूँगी। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी ले के अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए अब बस 2-4 बार ही मैं इसको जो यहाँ पे नट लगाने वाली हूँ, और आप चाहे तो ज़्यादा भी नट लगा सकते हो, और इतना इसको टाइट करिए कि ये बिल्कुल भी ना फिसले और ना खुले। तो देखिए यहाँ पे मेरा पोछा बन के तैयार हो गया है, और कितना अच्छा पोछा बना है। तो हम जो मार्केट से पोछा लाते हैं ना, वो बहुत ही महंगा बन मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे घर में पुराने कपड़ों से अगर अच्छा पोछा बन सकता है, अगर हम घर में बना सकते हैं, तो हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप लोग ना मेरा ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं, और बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो इस तरह से आप अपने पुराने कपड़े से बहुत ही शानदार पोछा बना सकते हो। मैंने तो थोड़ा सा पतला बनाया है, आप लोग चाहे तो इससे भी ज़्यादा मोटा बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।